हेलो दोस्तों, आज मेरे चैनल पर आई है आप सबके लिए माउथ मेल्टिंग सॉफ्ट सॉफ्ट कटहल के कोफ्तों की रेसिपी। जी हाँ, कटहल के कोफ्ते खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप सबको भी पसंद आएंगे ये कोफ्ते की रेसिपी। तो दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं कटहल के कोफ्ते। और एक बात और बता दूँ कि इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर कटहल के कोफ्तों की एक दूसरे टाइप की रेसिपी पोस्ट करी है और जिसके व्यूज़ मिलियन में गए हैं और आप सबने उन कटहल के कोफ्तों को बहुत पसंद किया है। तो आई होप आपको मेरे आज का ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने रेसिपी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर कटहल के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया है एक छोटा कटहल। कटहल आप कैसा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा रेशे वाला भी ले सकते हैं या इस टाइप का जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्लैब पर एक न्यूज़पेपर बिछाया है क्योंकि कटहल काटते समय एक अलग टाइप की मतलब दूध या लार जिसको बोल सकते हैं वो निकलता है, जिससे जो है फर्श खराब हो सकता है। तो कटहल काटते समय एक पेपर जरूर बिछा लें या फिर कोई प्लेट वगैरह नीचे लगा लें और उसके बाद से कटहल को यहाँ पर चॉप करें बड़े बड़े पीसेस में, साथ ही हाथों पर और नाइफ पर ऑयल जरूर लगा लें, नहीं तो हाथ जो है चिपचिपे हो जाते हैं। तो बस ऑयल लगाकर और कटहल को बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। और उसके बाद से हमें करना यह है कि हम लेंगे प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में एक गिलास पानी के साथ कटहल के इन पीसेस को दोस्तों हम यहाँ पर 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे या फिर 1 सीटी आने पर आप 5 से 6 मिनट गैस को धीमा कर दें, तब भी जो है कटहल बहुत अच्छे से पक जाते हैं यानी कि बॉयल हो जाते हैं। तो कटहल को बॉयल करने के बाद चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारे कटहल जो है बॉयल हो गए हैं और जो पानी था वो मैंने छान कर हटा दिया है, कटहल हमारे पानी से अलग हो चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हें छीलना कैसे है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि अगर आपको कटहल को आप मार्केट से पीसेस करके लाते हैं तो उन्हें भी आप सिंपल बॉयल करके कटहल के कोफ्ते बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास खड़ा कटहल था तो मैंने इसे पहले बॉयल कर लिया है और यहाँ पर आप हाथों से ही कटहल के जो ऊपर के ये दाने होते हैं या छिलके होते हैं उनको आप अलग कर सकते हैं या फिर आप नाइफ से भी ये काम कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। पर कटहल बॉयल करने के बाद इसके छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं इसे हाथों से उतार रही हूँ और फिर मैं आपको नाइफ से भी उतार कर दिखाऊंगी कि इसे हम कैसे उतारेंगे। तो अभी यहाँ पर नाइफ से जैसे कि आप देख रहे हैं कटहल के इस तरह से भी छिलके आप उतार सकते हैं और सारे पीसेस के कटहल के छिलके पहले हम उतार के रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कटहल के सारे छिलके उतार कर रख लिए, साथ ही उन्हें थोड़े छोटे पीसेस में चॉप कर लिया। और अब बीच का ये जो हिस्सा होता है, ये पार्ट होता है, ये काफी स्टिफ सा होता है, इसे हम निकाल कर अलग करेंगे क्योंकि ये जो है गलता नहीं है और इसका स्वाद भी थोड़ा अजीब सा होता है। तो कटहल का ये जो बीच वाला पार्ट है इसे आप निकाल कर जरूर अलग कर लें। और अब इसके बाद हम लेंगे एक बर्तन और कटहल के पीसेस को इस तरह से मैश करते जाएंगे क्योंकि कटहल चूंकि बहुत अच्छे से बॉयल है यहाँ पर तो काफी अच्छे से ये मैश हो जाएगा। अगर आप हाथों से नहीं करना चाहते तो इसके लिए आप किसी मैशर की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप कटहल के पीसेस को मिक्सी में भी चला सकते हैं या फिर आप क्रश कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप कोफ्ते बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं पहले सारे पीसेस को क्रश कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अभी जो है कटहल सारे अच्छे से मैंने मैश कर लिए हैं। इसके बाद से अब हम डालेंगे कुछ नमक मिर्च मसाले जो कि कोफ्ते बनाने में चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और नमक के बाद यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। और हाँ, मैं बता दूं कि ये कटहल जो है 500 ग्राम का था, 1/2 kg का था, साथ ही धनिया पाउडर गई है 1 टीस्पून। तो मसाले में इस तरह से बता रही हूँ और 1 टीस्पून भर के क्रश जिंजर ली है। साथ ही इसके बाद हम लेंगे प्याज और हरी मिर्च। तो 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप किया था, साथ ही 1 बड़ी प्याज लेकर उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज जरूर डालें, पर हाँ अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। और अब इसके बाद से इसमें जा रहा है 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का पाउडर। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर। जी हाँ, कॉर्नफ्लोर का पाउडर डालेंगे हम। तो यहाँ पर कोफ्ते हमारे काफी सॉफ्ट बनने वाले हैं और बेसन भी है जो 2 टेबल स्पून है। तो यहाँ पर दोनों चीजों को मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये एक सीक्रेट टिप है दोस्तों कोफ्ता बनाने की और इससे जो है कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। साथ ही मैं लूंगी 3 टीस्पून भर के कोई सा भी कुकिंग ऑयल और बस इसके बाद से जो है आप अच्छे से मिक्सचर को मिला लीजिए। तो यहाँ पर मैं हाथों की मदद से मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप सिंपल बेसन से भी बना सकते हैं, पर मैं बता दूं कि कॉर्नफ्लोर डालने से कोफ्ते हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं तो कॉर्नफ्लोर हो सके तो स्किप ना करें। तो चलिए मैं पहले सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेती हूँ। और हाँ, मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा गीला है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं,
पर अभी मैंने जितना डाला है वो मिक्सर हमारा एकदम सही बना है, सफिशियंट बना है। तो जैसा कि मैं अभी आपको हाथे से उठाकर दिखा रही हूँ, मिक्सर हमारा बहुत ही बढ़िया बना है। तो चलिए अब हम कोफ्तों के लिए गोले तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर तैयार है, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और छोटे छोटे साइज के गोले बनाकर रखते जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर छोटे साइज के कोफ्ते बना रही हूँ। और जो कटहल के कोफ्ते बनते हैं दोस्तों, वो अगर थोड़े से छोटे साइज के बने तो ज्यादा बढ़िया बनते हैं। तो चलिए पहले हम इसको जो है सारे गोले बनाकर रेडी कर लेते हैं। सारे यहाँ पर कोफ्तों के गोले मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। और इसके बाद से मैंने लिया है कढ़ाई में कुकिंग ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल जो भी आप यूज करते हैं वो ले लीजिए, और उसके बाद से ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर तेल के गर्म होते ही मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि एक ही कोफ्ते की गोली डालकर पहले हम चेक करेंगे मिक्सर को कि हमारा मिक्सर सही बना है या नहीं, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि कोफ्ते तेल में डालने के बाद टूट जाते हैं। पर अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा कोफ्ता बिल्कुल भी टूटा नहीं है, साथ ही एकदम सही से सिक रहा है, तो इसका मतलब मिक्सर हमारा एकदम सही है। तो चलिए अब मैं इस गोले को रेड करके तेल से बाहर निकालूंगी, और उसके बाद से जो है हम इसी तरीके से सारे कोफ्ते तल लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर 5 से 6 कोफ्ते ऐड कर दूंगी, और 5 से 6 कोफ्ते ऐड करने के बाद ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा कोफ्ते एकदम टच ना होने पाए आपस में, और इन्हें हल्के हल्के चलाना है, बहुत ज्यादा उलट पलट नहीं करना है। और फ्लेम को आप मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पर कोफ्तों को अच्छे से लाल करके फिर हम इनको तेल से बाहर निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ तेल है वो हम सब्जी बनाने में यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पर उसी तेल में से मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, और कढ़ाई में तेल गरम करके अब मैं डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले दालचीनी है, बड़ी इलायची है, एक तेज पत्ता है, साथ ही 2 सूखी लाल मिर्चें हैं, और एक छोटी इलायची है, साथ ही 2 से 3 लौंग है। तो कुछ इस तरीके से इन मसालों को हम यहाँ पर तड़का लेते हैं, और इन खड़े मसालों से कोफ्ते का स्वाद बहुत ही बेहतरीन आएगा। मसालों के तड़कने के तुरंत बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के क्रश की हुई जिंजर, और जिंजर को इस तरीके से हम पहले हल्का सा फ्राई करेंगे। और इस तरह से जिंजर जब डालते हैं तेल में तो उसका जो तड़का होता है वो बहुत ही खुशबूदार होता है, साथ ही स्वाद बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। और अब यहाँ पर जाएगी 2 बड़ी प्याज जो कि मैंने प्यूरी बनाकर रखी है, प्याज को मैंने पीस लिया था, और अब इस प्याज को हम पहले फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो अभी हमने यहाँ पर प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप देख रहे हैं ये हल्की सी गोल्डन हो गई है। अब इसके पास से टाइम है इसमें कुछ पिसे मसाले ऐड करने का। तो सबसे पहले मैं इसमें लूंगी ग्रेवी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर जो कि 1 टीस्पून भर के लिए है, हल्दी का पाउडर है जो कि 1/2 टीस्पून है, धनिया का पाउडर ये भी 1 टीस्पून लिया है मैंने। और अब इसके बाद से हम एक चीज ऐसी ऐड करने वाले हैं जिससे मसाले हमारे बहुत ही टेंटिंग लगेंगे, साथ ही अच्छा सा कलर भी देंगे। तो मैंने यहाँ पर ली है दोस्तों घर की फ्रेश मलाई जो कि 1 टेबल स्पून भर के है, और मलाई के साथ ही अब हम यहाँ पर मसालों को भूनेंगे। तो आप देख रहे थे कि मैंने पहले ऑयल कम डाला था, वो इसी वजह से क्योंकि हमें यहाँ पर ऐड करनी थी मलाई, घर की फ्रेश मलाई जो क्रीम होती है दूध के ऊपर की। इस क्रीम से क्या होगा कि मसाले एक तो अच्छे भुनेंगे, साथ ही जो ग्रेवी का स्वाद है वो बहुत रिच आएगा, शाही ग्रेवी बनेगी। तो चलिए यहाँ पर मलाई के साथ हम पहले मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और ध्यान रखें कि मलाई डालने के बाद फ्लेम को एकदम सिम करें और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मसाले काफी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसके बाद से जो है अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटरों की प्यूरी बनाकर रखी है, सिंपल इसे पीस कर मिक्सी में रखा था, और टमाटर को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और टमाटर की प्यूरी को हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा ढक्कन लगाकर एकदम सिम फ्लेम पर, और बीच बीच में आप चाहे तो इसे चलाते रहें। तो एक बार जो है 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको टमाटर की प्यूरी दिखा रही हूँ। तो चलिए ढक्कन को हटाते हैं, मसालों को चेक कर लेते हैं। तो मसाले अभी हमारे जो है अच्छा सा ऑयल ओज आउट कर रहे हैं, और थोड़े से दानेदार भी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा टमाटर का जो मसाला है वो अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। तो इसे जो है अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एक ऐसी चीज जो ग्रेवी को देगा एक बहुत बढ़िया सा स्वाद। तो मसालों को मैं यहाँ पर पहले उठाकर दिखा रही हूँ कि मसाले कैसे जो है दानेदार से दिख रहे हैं, और दानेदार दिखे तो समझिए मसाले हमारे भूनकर तैयार हैं। और अब यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश दही जो कि लगभग 1/2 कप है। फ्रेश दही लेकर 1/2 कप हम इसे लगातार मसालों में मिक्स करेंगे, मतलब लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि दही फटे नहीं। दही डालने के बाद इसको लगातार जरूर चलाएं, और दही को लगातार चलाते हुए पकाएंगे, और जब आपको लगे कि दही अच्छे से मसालों में मिक्स हो गई है तब इसके बाद से जो है हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो जो कटोरी मेरे पास थी दही वाली उसी में मैंने 1 कप पानी लेकर
और ग्रेवी के लिए डाल दिया है। इस टाइम पर ग्रेवी आप अपनी इच्छा अनुसार तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम अभी और डालेंगे आगे, पर अभी पहले हम ये दही वाला मसाला जो है पका लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं हमारी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बनकर तैयार है। तो इस टाइम पर मैं डालूंगी 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी, साथ ही 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का पाउडर, और दही वाले मसाले में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आप देख रहे हैं जब ऑयल थोड़ा सा ऊपर आए यानी कि दही पक जाए, तब एक कटोरी पानी हम और ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि अभी हमारी ग्रेवी बहुत गाढ़ी थी तो इसे हम थोड़ा सा पतला करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा मैंने 1 कटोरी पानी और ऐड किया है और अभी हमारे यहाँ पर परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार है। इसे हम पकाएंगे लगभग 2 मिनट के लिए वापस से, और ग्रेवी में जब उबाल आ जाएगा तब हम जो है इसमें अब ऐड करेंगे कोफ्ते। जी हाँ, अब कोफ्ते ऐड करने का टाइम आ गया है। तो आप देख रहे हैं ग्रेवी पक रही है, तो एक एक कोफ्ते को मैं लूंगी और फोक से जो है इसे प्रिक करती जाऊंगी। आप चाहें तो पहले से भी इसे प्रिक करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक साथ इसी तरह से सारे कोफ्तों को प्रिक करके ग्रेवी में ऐड करती जाऊंगी। तो अभी मैंने ग्रेवी में सारे कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। आप देख रहे हैं ग्रेवी अभी से बहुत ही ज्यादा डिलीशियस दिख रही है। और अब मैं लगाऊंगी ढक्कन, इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। जी हाँ, 5 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर। जब मैंने इसे छोड़ा तो आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है हल्का सा ऊपर आने लगा है, मतलब कि ग्रेवी हमारी पक चुकी है। बहुत ही बढ़िया कोफ्ते दोस्तों बनकर तैयार है, सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग कोफ्ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर गैस को बंद करूंगी, और इस टाइम पर मुझे हरी धनिया की कमी महसूस हो रही है, तो आप लोग चाहे तो हरी धनिया ऐड कर लीजिएगा। हमारे कोफ्ते दोस्तों बनकर तैयार है, इसे सर्व करेंगे रोटी या राइस के साथ। कोफ्तों की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हाँ, ये जो खड़े मसाले हैं इन्हें आप थोड़ा सा निकाल कर डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अब मैंने गैस को बंद किया है, कोफ्ते बनकर तैयार है। रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियोज में नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।